फिर को देखते हैं कि रेडी हो गई हैं। रेडी हो गई तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि मैडम के कानों में सीटी की आवाज़ आ रही है। बहुत बड़ा इशू है ये, सीटी की आवाज़ आ रही है और डिस्टर्ब कर रही है। तो हल्द्वानी हमने पता किया था, शायद हल्द्वानी में डॉक्टर साहब हैं कोई, तो वो अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और शायद दवाई ववाई देंगे। तो चलते हैं वहाँ, दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है, है ना। गोलू हमारा रेडी हो गया है, गोलू भी ठीक है। और गोलू की आज है पीटीएम, पीटीएम है। तो हम पहले जाएंगे इनके स्कूल और स्कूल के बाद फिर वहां निकलेंगे हल्द्वानी। फटाफट निकलना है हमको, तो चलें फिर। चलो चलो। गोलू का खाना भी पैक कर लिया है, क्योंकि इनको भूख लग गई तो फिर खाना कैसे खिलाएंगे, और बाहर का ये खाती नहीं है कुछ, है ना। चलो फिर अपना खाना पीना साथ में लेके, हम चलो जाओ 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 आराम से, कोई नहीं हो गया। आ जाओ रेडी। चलो धूप बहुत हो रही है ना, कोई नहीं बस पहुंच गए। हैं गाड़ी खोले, लो जी गाड़ी खोल गई। उसमें क्या है, गाड़ी खोलने में कितने समय लगेगा। ये आपकी गाड़ी खुल गई, जाओ बैठो। अभी से पता चलने कितनी गर्म है। गर्म तो हो रही है गाड़ी। कोई नहीं, दादी लेके आई थी ना वो कुछ। हाँ। गिलोए गिलोए, यह है गिलोए। चलो 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 बैठो बैठो, बैठ गए हैं, चलें फिर। हाँ। चलते हैं। ठीक है। बिटिया रानी की पेरेंट्स मीटिंग हो चुकी है और इनके एग्जाम है, तो सब कुछ समझा दिए हैं मैडम इनको, और चलो फिर चलते हैं। चलिए फ्रेंड, तो अब इनका स्कूल का काम तो निपट गया है, पेरेंट्स मीटिंग का, और अब निकलते हैं हम डॉक्टर के पास, है ना। ठीक है, आपके मैडम ने क्या बोला था, एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से, ठीक है, खेलना कम है, ठीक है ना। मैंने कहा कि डरना मत, भूतनी एग्जाम है। हाँ, सही बात है, और क्या, आराम से पढ़ो। अब टांडा जंगल, ये है टांडे का जंगल, जंगली जंगल है, लगभग लगभग 15 किलोमीटर ये जंगल पड़ता है पूरा। ये 15 की बारात जा रही थी, किसकी शादी है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, गाड़ी में बैठ के केले खा रहा है, गाड़ी में बैठ के केले खा रहा है। तो फिर वो गाड़ी पे चिपट मार लेंगे एकदम, शुरू हो जाएंगे गाड़ी के ऊपर ही। ठीक है, मैं सनरूफ खोल देता हूँ। अरे सनरूफ खोलोगे तो गाड़ी के अंदर आ जाएंगे यार, कैसी बात कर रही है। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं डॉक्टर साहब के पास, और गाड़ी खड़ी करने का देखते हैं, यहीं कहीं पे होगा, यहाँ लगाएंगे गाड़ी। यहाँ पे लग जाएगी, ये जगह दिख रही है, वहाँ वोट मिल के जगह मिल तो जगह है। हमसे आ जाओ ठीक है, रुको रुको रुको। हाँ, जो जो दिक्कत परेशानी है उससे बता देना मैं डॉक्टर साहब को ना, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, परेशानी मत करना, ठीक है, आराम से बैठना, ठीक है। शैतानी ना करे, शैतानी नहीं करेगा, मुझे पता है। अच्छा बच्चा, गुड डैड, अभी नंबर आएगा हमारा, ठीक है, थोड़ी देर वेट करना है हमको, ठीक है। सोने की नहीं हो रही है यार, ले लो फिर दवाइयाँ, ले लो ना। मेरा खाना, खाना पीना ही है, ठीक है ठीक है ठीक। नहीं सर, आ जाओ बोलो, ठीक है। हाँ अच्छा, आपको इसीलिए मना किया था आपसे कि आप चक्कर मत पड़ो, आप आराम से चलते रहो, टीवी देखो, लेकिन नहीं चलो कोई बात नहीं, भूख लग रही, चलो भी गाड़ी में लाए थे ना बांध के आपको खाना पीना, है पराठा और आलू, पराठा और आलू, राजमा चावल लाए हैं। अच्छा चलो, और ये देखे मैडम शुरू हो गई है अपना एप्पल खाने में, और ये गोलू हमारा, ये देखो भाई, ये देखो आलू पराठा खाने में, शाबाश शाबाश। ये कौन सा है, ये क्या, ढक्कन में रखो, ढक्कन में रखो, आराम से बस खाओ, आराम से। शिमला मिर्च सही तो है, कैप्सिकम खाओगी, बैंगन है, अच्छा ये मुँह देखो, खा लो, सब कुछ खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए, सही बात है, सब कुछ खाना चाहिए, तब भी एप्पल खाओ। सुबह खाया नहीं था मैंने, फ्रूट। हाँ ठीक है, अरे आ गए हम, क्या खाएं यार, ये लोग खाने में लगे हैं ना। अभी एप्पल खा सकते हो, मैं लेके आई हूँ। एप्पल लाई हो,
मेरा एप्पल भी तुम्हें खाना है। नहीं नहीं कोई नहीं, मम्मी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं भी ना रस्ते से माल्टा। हाँ तो माल्टा रस्ते में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ चले या अभी बैठे? चलते हैं, चलिए फ्रेंड चलते हैं। और ये है हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर वैभव कुछल जी। फाइनली हम लोग पहुँच गए अब घर, ठीक है। आ जाओ चलो, फ्रूट्स वगैरह रखो ये आराम से। हमने रास्ते में को मिल गए थे माल्टा और एप्पल और खीरे और अनार, नींबू। हाँ यहाँ पर फ्लैट हो गया, इसीलिए कहते हैं आप बेवजह गए, आपको नहीं जाना चाहिए था। हाँ और तुम थक गई ना? अच्छा पीटीएम लेके गए थे। और क्या? अच्छा, और ये है मैडम का खाना पीना। खाना पीना नाश्ता पानी, अच्छा खासा नाश्ता पानी है। बहुत दवाइयाँ दी, दिखाना कितनी दवाइयाँ दी है निकालना। ये देखो दिखाते हैं डॉक्टर साहब ने कितनी दवाइयाँ दे दी हैं। ओ माय गॉड, ये सारी दवाइयाँ हैं। एक दो तीन चार, लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए ताकि बीमार ना होना। इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, बताओ। आठ दवाइयाँ पूरी, और उनमें से ये बड़ी, ये देख। ये तो एक नहीं, ये दो दो खाने हैं। दो दो खाने हैं सुबह शाम दो दो। एंड इनके कानों में डॉक्टर साहब ने देखा और दवाइयाँ दी हैं कुछ, तो क्या है कि इनके कानों की जो नसें होती हैं शायद, तो वो सूख सी गई हैं। तो उनकी दवाइयाँ दी हैं, कह रहे हैं सूख गई हैं, तो दिक्कत है इसमें। तो ये फिलहाल दवाइयाँ दी हैं और देखते हैं कि जल्दी से आराम मिल जाए, बस यही चाहेंगे हम। तो कोई नहीं, आप दवाइयों को खाइए, देखते हैं आराम मिल जाए। दवाइयाँ चाहा तो आराम मिलेगा और सही हो जाएंगे आप फ्रेंड। तो इसी के साथ अपनी ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और आगे की रिपोर्ट क्या होती है, कितना आराम मिलता है, वो सब आपको बताते रहेंगे हम। और हमारी ब्लॉग आपको कैसी लगी आप बताइएगा, और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब इसी ब्लॉग को हम यहीं पर एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।